अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कोफ्ते करी की रेसिपी, या कोफ्तों का सालन या कोफ्तों का कोरमा भी कह लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो कीमा लिया है और कीमे को मशीन में बारीक बिल्कुल कीमा करवा लिया है। ये देखिए, एकदम बारीक होना चाहिए, नहीं तो ये होगा कि हमारे कोफ्ते जो है वो टूटने लगेंगे। और अब उसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट आप और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये 2 प्याज लिया था, इसको गोल्डन सा फ्राई कर लिया और फिर इसको क्रश करके इसमें डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन की हुई प्याज की जो खुशबू होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए हमको ये ऐड करना है। साथ ही जो सूखे हुए मसाले डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें तेज वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, जो बहुत तीखी, मतलब जो तीखी होती है वो भी डाली जा सकती है। ये 100 ग्राम चने लिए थे, इसको भी मैंने पाउडर बना लिया है। आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन चने का जो टेस्ट होता है, चने की खुशबू जो होती है वो बहुत अच्छी आती है। और इसमें साथ ही चला जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया इसमें। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, कोफ्तों के मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कीमा करवाते वक्त मैंने 150 ग्राम तक फैट भी रखवा लिया था साथ में, ये देखिए आप देख सकते होंगे। उसके साथ ही उसको भी पिसवा लिया था। तो अगर हमारा कीमा बहुत ज़्यादा रूखा होता है तो फिर ये होगा कि बिल्कुल सूखे सूखे से कोफ्ते होंगे और जूसी नहीं बनेंगे। तो इसलिए फैट रखना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा फैट तो ज़रूर हो। अगर 1 किलो आप ले रही हैं कीमा तो 150 ग्राम तक के ज़रूर रखवा लीजिए। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये कुछ ड्राइनेस अभी भी कड़क, मतलब थोड़ी सी सख्ती जैसी लग रही है, तो हल्का सा पानी में डालूंगी, लगभग 1 टेबल स्पून तक का, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, जिस तरह से हम आटे को गूंद लेते हैं। तो उससे ये होगा कि कहीं पे भी कुछ भी बचा हुआ या इस तरह अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं रहेंगे। और अब हाथ में तेल लगाकर हथेली पे, ये देखिए इस तरह से तेल लगाकर हम एक थोड़ा सा पोर्शन लेंगे बॉल का, नॉर्मली जितना कोफ्ते के लिए लिया जाता है। ये देखिए, और उसको ये देखिए इस तरह से बना लिया। ये देखिए, तो ये एक हमारा बन गया कोफ्ता। इसी तरह से तमाम कोफ्तों को तैयार कर लेंगे। अगर ये सॉफ्ट होगा तो इस तरह से इसमें क्रैक्स कम आएंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये जो क्रैक है ये बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये ख्याल रखिए कि जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ये बिल्कुल मुलायम सा हो। तो ये देखिए, कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो गए और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब इसमें कोफ्ते डालेंगे। इसमें मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने इसको रखा है। तो ये देखिए, बहुत संभाल संभाल कर हमको इस तरह से इसको पलटना है। आप भी ख्याल रखिए कि चूल्हे की आंच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, ना बहुत ही हल्की हो। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो आप फ्लेम को हाई कर लीजिए। इस तरह से तो गोल्डन कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको बहुत संभाल कर इस तरह से उलट पलट करते रहिए। मैं ये छोटा वाला चम्मच यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत आसानी से पलट जाता है, क्योंकि कभी इसकी जो एजेस होती है ये वाले चम्मच की, तो इससे टूटने का डर होता है कोफ्ता, और इससे नहीं हो रहा, इससे बहुत आसानी से हो रहा है। तो कभी आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर भी आने लगा है। तो अब हम सारे कोफ्तों को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसको साइड में रखते हैं और ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं।
जो मसाला हम ग्रेवी के लिए सबसे पहले पीस के साइड में रख लेंगे उसके लिए मैंने 15 बादाम ले लिए हैं और 2 टेबलस्पून नारियल का पाउडर है, 2 टेबलस्पून तेल है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को भिगो कर रख देना है प्याली में 10 मिनट के लिए और उसके बाद पीसना है। अगर हम इसको नहीं भिगोते हैं तो पीसने में ज़रा सी मुश्किल होगी और भीगने के बाद ये बहुत आसानी से पीस जाता है, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बन जाएगा। एक पतीली में मैंने आधा कप तेल गर्म कर लिया है, ये वही तेल है जिसमें मैंने कोफ्ते तले थे, तो उसमें अब मैं डाल रही हूँ 3-4 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के स्टिक्स, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 5-6 लौंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च खड़ी। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। जब ये स्प्लटर होने लगेगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बाद डाल रही हूँ 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 4 टमाटर का बारीक सा पेस्ट बना लिया था वो भी चला जाएगा साथ ही में। इसके बाद हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखिए इसको भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद डालूंगी 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सारे पाउडर मसालों को डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट और भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। फ्लेम को मैं हाई रख रही हूँ। तो ये देखिए इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और तेल भी साइड से सेपरेट होने लगा है। तो अब इसमें जो हमने तिल और नारियल और बादाम का पेस्ट बनाया था वो चला जाएगा। पेस्ट डालकर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि कच्चापन जो तिल का और नारियल का है वो दूर हो जाए। इसी के साथ नमक डाल देंगे। नमक मैं 1.5 टीस्पून के अंदाज से डाल रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक डालिए। तो अच्छी तरह से भून लेना है। ग्रेवी को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हाई फ्लेम पर ही मैंने इसको भूना है और ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आने लगा है और तेल भी अच्छी तरह से सेपरेट होने लगा है। तो अब इसमें ये मैं प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिया था, इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया और फिर इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया। इसको भी डाल देंगे। इसी के साथ 4 टेबलस्पून गाढ़ा दही डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, फेंटना ज़रूरी है नहीं तो ये बारीक बारीक सा हमारी ग्रेवी में दिखेगा। इसके बाद हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने 5 मिनट और भून लिया है और अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। तो ये देखिए मसाले में पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें एक उबाल आ जाने देते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी पकने लगी है, अब हम इसमें बहुत संभाल कर कोफ्ते डालेंगे। तो ये देखिए सारे कोफ्ते हमने सालन में डाल दिए हैं और ये ग्रेवी भी पकने लगी है, तो फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है और इसी के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। मतलब इसमें जितनी जायफल होगी उतनी ही जावित्री लेना है, सेम वज़न की लेंगे। इसको भी ऊपर से डाल देंगे। कोफ्तों की ग्रेवी में हम चम्मच बहुत संभाल कर और बहुत आहिस्तगी से लगाएंगे और इसको अब ढाँक कर हम धीमी आँच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसको बहुत संभाल के हम चम्मच चलाएंगे बिल्कुल आहिस्तगी से ताकि कोफ्ते टूटने ना पाए, ऊपर नीचे करना है और हल्के हल्के से बस इस तरह से संभाल संभाल के हिला लेंगे। तो पतीली भी इस तरह से हिलाई जा सकती है, ये देखिए इस तरह से भी मसाला एडजस्ट होता रहेगा। तो बीच बीच में हम इस तरह से करते रहेंगे संभाल संभाल कर बहुत ज़्यादा और इसको हम 5 से 7 मिनट और पका लेंगे धीमी आंच पर। तो ये देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट और हो चुके हैं और इसकी फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है, तो माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी सी आने लगी है और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। तो अब इसमें हरी धनिया डाल लेते हैं और फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। तो ये देखिए कोफ्तों को हमने डिश आउट कर लिया है और अब इसमें हरी धनिया डालकर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और आपका कैसा बना।